कोई खड़ा सर आप एक सोलो कर कर लेंगे अभी बात कर लें फिर चलो ठीक है प्लीज सर प्लीज नहीं छोटा प्रोजेक्ट नहीं हमने छोटे प्रोजेक्ट के लिए नहीं बोला हमने कहा ऐसी टीम के लिए जब मीडिया का सपोर्ट मिल जाता है तो बहुत अच्छा क्योंकि मैंने भी ये समय देखा है और ये खैर लंबी कहानी है लेकिन जो हमारी आदतों में शुमार रहता है कि जब कोई क्योंकि पुराने तो सब अपना रास्ता जीना जानते हैं लेकिन जब नई जनरेशन अपना कोई रास्ता तलाश रही होती है और उसमें जब सीनियर्स का अब सीनियर ही समझ सकते हैं कि एक फिल्म के बाद तो सब बराबर हो जाते हैं लेकिन सीनियर्स का साथ मिल जाए मीडिया का साथ मिल जाए तो ऐसे प्रोजेक्ट भी जो अच्छे कॉन्सेप्ट के प्रोजेक्ट होते हैं उनको बहुत अच्छी जो है जगह मिल जाती है और कुटुंब एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट की फिल्म है एक परिवार की फिल्म है जहाँ पे जिस आज 2017 है जहाँ पे पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव हो चुकी है जहाँ पे बच्चे से लेके और बूढ़े तक सब ये सातों समंदर अपने इतिहास से ही साथ में लेके घूमते हैं और एक साथ बस पे बैठते हैं एक साथ घर में बैठते हैं लेकिन सब अपने अपने मोबाइल वही उसकी बुआ हो चुका है वही फूफा हो चुका है वही ये हो चुका है वही रिश्ते हो चुके हैं तो इन रिश्तों के बीच में जहाँ पे रिश्तों का पलायन हो चुका है और पेपा पेग और मतलब ये मोबाइल के अंदर जो गूगल है इसने गूगल तो आया गूगल आने से मैं बहुत खुशी हुई कि पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव बना दी लेकिन ये गूगल के चक्कर में यूट्यूब के चक्कर में मतलब बुआ फूफा नानी नाना मौसी सब का पलायन हो चुका है ऐसे में कुटुंब जैसे कि कुटुंब होता है कुटुंब परिवार होता है उसमें रिश्ते होते हैं नाते हैं एक दूसरे के इमोशन होते हैं भाव होते हैं और उसके साथ में गूगल भी चले यूट्यूब भी चले लेकिन पारिवारिक रिश्ते जो जिस तरीके से 2017 में छूट रहे हैं पीछे ये शायद कहीं ना कहीं फिल्म उन रिश्तों को जगाती है इन्होंने हमसे अमित जी हैं छोटे भाई की तरह हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं आर्यन है बहुत म्यूजिक में इन्होंने मेहनत की अपने ये अपना हीरो है इस फिल्म में तो ऐसे चार भाइयों पांच भाइयों कहानी है एक छोटे से परिवार कहानी है लेकिन कॉन्सेप्ट इतना बड़ा है कि अगर देखा जाए तो अपने पूरे भारत में चाहे वो किसी भी भाषा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर परिवार की कहानी है कुटुंब कुटुंब कहीं ना कहीं आपको अंदर से जब मैं एक चीज़ गारंटी देता हूँ जब इन्होंने एक बड़ा अच्छा किस्सा सुनाया उन्होंने कहा भैया एक होली सॉन्ग है मैं चाहता हूँ कि आप कर दें तो हमने कहा कि फिल्म पूछी थी तुमने हमसे बता तो बोले वो तो नहीं पूछी वो तो हम बनाने लगे हैं तो हमने कहा कि जब तुमने हमसे फिल्म नहीं पूछी बनाने के लिए तो हमसे ये उम्मीद मत करो कि हम इसमें आके आपकी बाहर से क्या मदद कर सकते हैं तो इन्होंने कहा कि नहीं हमें एक होली सॉन्ग है हम चाहते हैं वो आप करें हमने फिल्म दिखा जब फिल्म देखी फिल्म बहुत कम टाइम था देखने बैठा फिर एक अपॉइंटमेंट कैंसिल किया फिर पूरी फिल्म देख के बहुत रोया सच में रोया और मतलब कि वो भाइयों भाई हो सकता है कि हर परिवार में कुछ पुरानी यादें जुड़ जाती हैं पुरानी यादों के साथ में आदमी को अपना अपना पास्ट याद आ जाता है मैंने इनको तुरंत बोला कि नहीं ठीक है और वो होली सॉन्ग जो है गेस्ट अपीयरेंस के रूप में एक फ्रेंडली पारिवारिक अपीयरेंस उसमें करके इन लोगों की मदद करने के लिए मोरली कोशिश की है और आज आप लोगों के सामने ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो कुटुंब है कुटुंब को जगह मिले ताकि भारत के जो कुटुंब हैं उनको एक उनको जो हम कुटुंब खो रहे हैं कहीं ना कहीं कुटुंब खोड़ें और उसमें यूट्यूब और जो बोलते हैं गूगल इन सबको भी पूरी पूरे पूरा स्थान दें लेकिन इनके चक्कर में कुटुंब को ना छोड़ें बहुत बहुत ही पतली लाइन है कुटुंब और आपकी चाल जो 2017 की चाल है और कुटुंब ठहराव होता है तो कुछ ठहराव को भी जैसे बोलते हैं ना गाड़ी का एक शीशा होता है एक ऐसा होता है एक सामने होता है ड्राइविंग सीट पे आप होते हो तो कुटुंब आपके लिए वो ऊपर वाला शीशा है जिससे आप बैक देखते हो और सामने जो बत्तियाँ हैं उससे आप आगे चलते हो तो मुझे लगता है जिंदगी की गाड़ी जो आप चला रहे हैं जिसकी स्टीयरिंग आपके परिवार की आपके हाथ में है उसमें वो ऊपर वाला शीशा है जिससे हमेशा पीछे देखते रहते हो तो आगे गाड़ी बहुत अच्छी चलती है नहीं हमने गाना क्या है गाना इन लोगों ने गवा लिया हम तो लोग कलाकार लोग हैं जो जहाँ फिट करता है वैसे फिट हो जाते हैं शायद मैं तो मैं मेरा आज जो कुछ भी है
हम लोग 28 लोग हैं एक ब्लड के, जिसमें 6 भाई हैं, सबके बच्चे हैं, माता पिता हैं, ताऊ हैं, और मुंबई से लेके हम लोग पूरे दुनिया में कहीं घूमते रहें। लेकिन आज 32 साल हो गए हमें अभिनय करते हुए, 13 साल की उम्र से हमने शुरू किया था। आज तक कोई होली दीपावली ऐसी नहीं है जिसकी पूजा माता पिता के साथ ना हुई। तो इसलिए ये फिल्म मेरे लिए दो तरीके से इम्पॉर्टेंट है। एक तो इन बच्चों का अगर मेरी तरफ से कोई भी फ़ायदा होता है तो मैं हमेशा यहाँ नहीं बाहर भी जाने के लिए तैयार हूँ। और दूसरी चीज़ जो पारिवारिक रिश्ता, जब परिवार होता है तभी समाज बनता है, तभी देश बनता है। परिवार की नींव अगर अच्छी होगी, समाज की नींव अच्छी होगी, देश की नींव अच्छी होगी। हर आदमी देश की बात कर रहा है, हर आदमी समाज की बात कर रहा है। और अगर उससे पूछ लो तुमने अपने परिवार के लिए किया कुछ, तो उसके पास एक उत्तर नहीं होगा। अब आधे लोग पैसे मिल जाएंगे कि दीवार पड़ी हुई है, माता पिता उधर रहते हैं, इधर हम लोग रहते हैं, बच्चे भी सालों से नहीं मिल पाए हैं अपने देश में। लगभग हर तीसरे घर की ये कहानी है। तो इसलिए मैं उन लोगों से, सब बुद्धिजीवियों से, साहित्यकारों से, और जितने भी एक्सपेरिमेंटल लोग हैं, जो आई लव एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जब तक एक्सपेरिमेंट आपके जीवन में रहेंगे, जीवन में हमेशा आपकी फाइटिंग अपने आप से रहेगी। तो जितने लोग भी समाज की और देश की बात करते हैं, उन लोगों को अपने परिवार के बारे में देखना पड़ेगा, ताकि वो परिवार की वजूद को लोगों के सामने, आने वाली पेपर पिक जनरेशन के सामने रख सकें। नहीं, मैंने ये बच्चों से देखा है, मैंने दौड़ते तो मेरी बहुत इच्छा थी कि ये सब कुछ किया जाए। दुर्भाग्य था कि फिल्म में हम लोग तो बोले एक्टिंग वैक्टिंग तो करवा नहीं पाएंगे यार। एक्टिंग ठीक है, चलो गाना कब बालो इनसे, क्योंकि एक्टिंग तो बहुत बोर हो चुके हैं। भैया के मैंने भैया की बचपन में देखी थी, तो ऐसा लगा कि अभिनय के ये होता कि ऐसा मैंने भी किया है, तो अभिनय को अच्छे अभिनेता को देखेंगे हर कोई सकता है कि देखना चाहिए। तो भैया से मिलने की इच्छा थी बहुत, जो मुंबई आने की मैंने कोशिश की, तो इच्छा थी भैया से मिलूँगा जाके कि भैया अभिनेता कितने अच्छे हैं। जब मुलाकात हुई तो ऐसे बड़े भाई के तौर पर लगता ही नहीं मुंबई मुझे क्यों मैं खेला। तो यहाँ पर मुझे कुटुंब में आया। अब काम करके ऐसा लगा जब भैया सेट पर होते थे, मेरे हम लोग शूटिंग करते थे, हकीकत में लगता था ये 12 घंटे 8 घंटे कैसे खत्म होंगे। और सेट पे जब भैया सेट पर रहते हैं तो होता क्या, कोई भी व्यक्ति लेजी नहीं रहता, हर व्यक्ति एक्टिव रहता, बहुत अच्छा लगा। अब मैं तो स्वीट 16 हूँ विद 20 इयर्स एक्सपीरियंस। मैं बिल्कुल ये बचपन में देखता था, मैं तो अभी बचपन में आने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि इन भाइयों से लगातार छोटा मैं दिखूँ। नहीं, बहुत अच्छी कोशिश है। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। आप सब लोग, हम लोग उस समय के हैं कि हम 15-20 साल से गुजरे हुए हैं। जब बेल बॉटम आया, फिर पतली आई, फिर ऊपर चौड़ी हो गई, फिर नीचे बिल्कुल पतली हो गई, धीरे धीरे, क्यों क्या होता है, हम अपने कामों से ही बोर हो जाते हैं। अभी देखना आप 2-4 साल में, फिर देखना 1945 का दौर आएगा, धीरे धीरे आप अपनी जड़ों और संस्कृति की तरफ जाएंगे। क्योंकि इसमें ना जो चीज़ें ये हवा में घूम रही हैं, जो हर साल चेंज हो रही, अभी आईफोन 6 आया, फिर 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर X आएगा, फिर उसके बाद 9, फिर 10, पता नहीं 100 तक पहुंच जाएगा। लेकिन कोई, जैसे ही आप 10 पे पहुंचोगे, वैसे ही आप आईफोन 5 को कोई इज्जत दोगे, नहीं दोगे, जबकि अभी ये काम चला रहा है। तो मैं समय के अनुसार, रिश्ता हो चाहे तकनीक हो, सबकी प्रॉपर इज्जत होनी चाहिए। क्योंकि आज अगर ये खड़े होकर आप जो इंटरव्यू कर रहे हैं, अगर आप कल कुर्सी बैठ के किसी का इंटरव्यू करें, तो इस ज़मीन से आप प्यार करें, इससे नफरत नहीं करें। क्योंकि हम लोग कज़िन हैं। हम वाणी के माध्यम से लोगों का, अंगों के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करते हैं। आप कैमरा के माध्यम से, आप अपने आप सिचुएशन के माध्यम से लोगों तक पहुँचते हैं। कहीं ना कहीं हम अभिव्यक्ति हैं, जिसमें चाहे कोई कलाकार, पत्रकार, कहानीकार, चित्रकार, कोई भी हो, हम लोग कहीं अलग नहीं है। अभिव्यक्ति कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से देश की सेवा कर रहे हैं। हम मनोरंजन के रूप में कर रहे हैं, आप मीडिया के रूप में कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भी काम हो अपने देश में, या फिर मनोरंजन के माध्यम से, वो हिस्सा हम सबको बनना पड़ेगा। इसलिए आप चिंता मत करिए, 2-4 साल में आप देखना जितनी, अब वैसे उदाहरण भी है कि पिछले
चार पाँच साल से जो फिल्में सुपरहिट हुई हैं वो सब मिट्टी की फिल्में सुपरहिट हुई हैं। तो इसके मतलब मिट्टी पहुंच चुके हैं, अब मिट्टी मिट्टी को ओढ़ना बाकी है। अब दो चार साल में देखना आप सब मिट्टी वाली फिल्में देखने को मिलेंगी, वही संस्कारों वाली, वही संस्कृति वाली, क्योंकि ये जो चल रहा है ये बहुत क्षणिक होता है, ये स्थायी भाव नहीं है, ये अस्थायी भाव है, संचरणशील है, आता है जाता है, इसका मजा लो। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कर रहा हूँ, आप लोग सब आए यहाँ पे। ले बेटा इधर आ जाओ, आइए आइए, मैं पीछे खड़ा हो जाता हूँ।